टेक्सटाइल हैंडग्लव्स बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार, 50 लाख का सामान भी बरामद। नई मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उपयोग हो चुके नाइट्राइल हैंडग्लव्स बेचने वाले गिरोह को औरंगाबाद, कोचीन और हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 50 लाख का सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल यह मामला बीते हफ्ते नई मुंबई के पावड़े एमआईडीसी से पकड़े गए 4 टन यूज्ड हैंडग्लव्स और 2 आरोपियों से जुड़ा है, जिनसे पूछताछ के बाद इस काले धंधे का लिंक दक्षिण भारत तक फैले होने का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच टीम ने दक्षिण भारत में दबिश देकर मुख्य सप्लायर प्रशांत सुर्वे समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। तो समझला की बारसी मधून सुद्धा हा माल आलेले नाही। त्यानंतर त्या लोकांना एक सेस लेटर सबमिट केला होता एबीएमसी बारसीचा, ते सुद्धा फोर्ज निघाले। आणखी जे ट्रक होता त्यांचे नाव सुद्धा चुकीचे देण्यात आला होता। तो हे 4 ट्रक मध्ये माल आला होता। फॉर्च्युनेटली वी आर एबल टू फाइंड 2 ड्रायव्हर्स अँड देन तपास आम्ही आणखी पुढे सुरू केला आहे। आणखी आज आता आमच्याकडे 3 आरोपी अटक आहेत कर्नाटकाचे, जिथून ते राशनच्या दुकानातून चावल घेऊन गेले जाणार। वेगळ्या वेगळ्या आतापर्यंत आमचे 7 एजंट सापडलेले आहेत, म्हणजे निष्पन्न झालेले आहेत। ते 7 जे एजंट आहेत हा एजंट यांच्या संपर्कात आहेत। आणखी ते एजंट फिरून ते कर्नाटकामध्ये, पंजाबमध्ये, हरियाणामध्ये यांचे तपास करून भरपूर डिस्ट्रिक्ट आहे, त्यासाठी आम्ही एसआयटी नेमला आहे आणि एसआयटी यामध्ये तपास करत आहे। आज 1 जनवरी पासून आजपर्यंत 31 तारीखपर्यंत ते जे 33,000 मॅट्रिक टन एक्सपोर्ट 2 कंपनीनं केलेले आहे, ते आहे जय आनंद फूड इंडस्ट्री आणखी जय फूड प्रोडक्ट्स। त्यामध्ये 33 मध्ये म्हणजे जे आमचे तपासमध्ये आता जे हाय एक्सपोर्ट सस्पेक्टेड होता, तसेच आतापर्यंत राईस किती कंपनीने एक्सपोर्ट केला आहे, तो आमच्याकडे 3 कंपनीचे नाव आलं। 3 कंपनी मध्ये 1 जिंदत आहे, जय फूड प्रोडक्ट आहे, जय आनंद फूड इंडस्ट्री आहे, जेनी इम्पॅक्ट आहे। त्यामध्ये 3 कंपनी जे आहेत ते लखन पटेलचे रिलेटेड। तर हा 3 कंपनी, हा जो 3 जय फूड इंडस्ट्री, जय आनंद फूड आणि जेनी इम्पॅक्ट, हा तिघत मिळून 32,000 मॅट्रिक टन आणि जिंदत ना 290 मॅट्रिक टन मध्ये त्यांना एक्सपोर्ट केलेले आहे। सो ऑल द एक्सपोर्ट, राईस एक्सपोर्ट इज आणि त्यामध्ये लखन पटेलचे एक प्रोव्हिजन असतात OMSSP ओपन मार्केट सेल स्कीम FCI। त्यामध्ये टेंडर मध्ये हा क्लाउज आहे की ओपन मार्केट सेल स्कीम मध्ये तुम्ही जर राईस घेतलाय यू कांट एक्सपोर्ट। इथे एक आणखी 2 कंपनी कर्नाटकाची आहे ज्यांचे अकाउंट मध्ये लखन पटेलचे अकाउंटून 48 करोड रुपये गेलेले आहेत। तिथे ते लोक जे आहेत ते FCI कडून येतात। आता आमच्या यामध्ये कर्नाटकामध्ये आम्ही अरेस्ट केला आहे, त्यांना आणलंय, त्याचा आणखीन आरोपी शोधत आहोत। आज आमची टीम लागलेली आहे तिथे, जे आरोपी आहेत त्यांना शोधण्यासाठी आणखीन आम्ही यामध्ये सुद्धा अटक करणार। बता दें कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर PPE किट और नाइट्राइल हैंडग्लव्स उपयोग हो रहे हैं। ये ऐसे ग्लव्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल के बाद नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसे इकट्ठा कर या गिरोह दोबारा सप्लाई का धंधा कर रहा था। हालांकि खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ छापेमारी शुरू की। भिवंडी से लेकर औरंगाबाद तक हैंड ग्लव्स जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राहुल राख ने इनके मोड्स ऑपरेंडी की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखते हुए कार्यवाही कर रही है। केस में
अभी तक 5 करोड़ की गिरफ्तारी हुई है जी। एंड अभी मुंबई में चुंबे एरिया में एक एक्यूज यूज किए हुए हैंड ग्लोव्स कलेक्ट करके वो फिर से वॉश करके पैकिंग करके जेल करने का बिजनेस कर रहा है। वहाँ फैमब्रैक्स का यूनिट वन में रेड करने के बाद बहुत सारे हैंड ग्लोव जो यूज किए हुए थे सिर्फ डी टैग किए जा रहे थे जिनको मिले थे उसको अरेस्ट करने के बाद उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ से भिवंडी में 2-3 जगह पे छापे हुए उसके बाद औरंगाबाद में 2-3 जगह पे छापे हुए भिवंडी में उस पर 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया। उनके पास से नियर अबाउट 15 टन यूज ड्रग्स वहाँ पे सीज किए गए। औरंगाबाद में एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया उसके पास से 19 टन यूज हैंड ग्लोव्स सीज किए गए। ये दोनों लिंक्स फिर भिवंडी वाला लिंक और औरंगाबाद वाला लिंक आगे चल के बेंगलोर कोचिन तक उनके जहाँ तक माल लेके आए थे कुछ और बेंगलोर से लाया गया था कुछ कोचिन से लाया गया था। तो हमारी टीम बेंगलोर जाने के बाद वहाँ भी एक है कि उसको सर्च कर रहे हैं वहाँ की उसको उसके यहाँ से अबाउट 10 टन एक गोडाउन है दूसरा वहाँ पे वहाँ छापेमारी करके 10 टन सेज किए गए। अभी लास्ट में हमारी टीम कोचिन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके बाद पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में से लाके मार्केट में ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।